इससे सराजा मौली की बहू प्रतीक्षित फिल्म RRR रिलीज हो गई है। यह फिल्म 25 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और पहले ही दिन राज मौली की इस फिल्म ने फैंस के बीच धमाल मचा दिया है। रामचरण, जूनियर, NTR, आलिया भट्ट और अजय देवगन जैसी मजबूत स्टार कास्ट से बनी इस फिल्म को फैंस ने जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया है। सोशल मीडिया पर हर कोई इस फिल्म की तारीफ कर रहा है, लेकिन फिल्म के रिलीज होने के बाद इससे जुड़े मजेदार किस्से भी सामने आ रहे हैं। राजा मौली की इस फिल्म का टाइटल जब RRR फैंस के सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। आज इस वीडियो में हम आपको इस टाइटल के पीछे की कहानी के बारे में बताते हैं कि कैसे इस फिल्म का नाम RRR रखा गया। RRR का मतलब राइज, रॉर और रिवॉल्ट है। वहीं तेलुगु वर्जन में RRR को रौद्रम, रणम, रुधिरम कहा जाता है। ये चीज फैंस ने फिल्म के पोस्टर पर देखी होगी, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि पहले इस फिल्म का टाइटल कुछ और था। लेकिन शुरुआती दिनों में राजा मौली ने सबके बीच फिल्म के टाइटल से जुड़ा अपना एक आइडिया रखा। उन्होंने फिल्म के दोनों स्टार रामचरण और रामाराव के अलावा निर्देशक राजा मौली के नाम के पहले अक्षर यानी R से फिल्म का टाइटल रखने का सुझाव दिया, जिसके बाद फिल्म का नाम RRR रखा गया। SS राजा मौली ने फिल्म के टाइटल से जुड़ा ये किस्सा कपिल शर्मा के शो में बताया था। उन्होंने बताया कि शुरू में रामचरण, रामाराव और राजमौली के पहले अक्षर को टाइटल के तौर पर नहीं लिया गया था। ये सिर्फ फिल्म के प्रमोशन में हैशटैग के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन धीरे धीरे यही फिल्म का नाम तय हो गया। इससे लोगों के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर ने भी काफ़ी पसंद किया। RRR की बात करें तो फिल्म देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। फिल्म क्रांतिकारी अल्लूरू सीताराम राजू और कोमाराम भीम पर बनाई गई है। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस फिल्म को फैंस काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस फिल्म को लेकर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स लिख रहे हैं। RRR से हर किसी को उम्मीदें थी कि फिल्म पहले दिन शानदार ओपनिंग करेगी, और ऐसा हुआ भी। इस फिल्म ने सारी भारतीय भाषाओं को मिलाकर पहले दिन में 132 करोड़ रुपए के करीब का धमाकेदार कलेक्शन किया है। RRR के हिंदी संस्करण ने बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग में फिल्म 83, तानाजी और गुड न्यूज के पहले दिन के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है, और आने वाले दिनों में भी फिल्म ऐसा ही धमाल मचाती दिखाई देने वाली है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।